बेटी है तो कल है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी बातें उस समय बेमानी साबित हो गईं जब एक कलयुगी पिता का अमानवीय चेहरा सामने आया। इस कलयुगी पिता पर हैवानियत इस कदर सवार थी कि इसने अपनी मासूम बच्चियों को उनकी माँ के साथ कुएं में फेंक दिया। एक कलयुगी पिता की हैवानियत जिसने भी सुनी उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस जमाने में भी कोई बेटियों से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? एक कलयुगी हैवान बाप ने अपनी दो मासूम बच्चियों सहित पत्नी को कुएं में फेंक दिया। इतना ही नहीं, जब पत्नी अपनी बच्ची को और खुद को डूबने से बचाने का प्रयास करने लगी तो उस पर पत्थर भी फेंके। मामला चंदला थाना क्षेत्र के पड़ोई गाँव के पास का है, जहाँ डड़िया गांव का निवासी आरोपी राजा भैया यादव अपनी पत्नी बिट्टी और दोनों बच्चियों को अपनी ससुराल पन्ना जिले के लौलास गांव से वापस अपनी बाइक पर लेकर आ रहा था। रास्ते में उस पर हैवानियत सवार हो गई और उसने अपनी पत्नी और बच्चियों को पड़ोई गांव के पास सड़क से दूर एक कुएं में जाकर ढकेल दिया। घटना में 8 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, पत्नी के सिर पर गंभीर चोटें आईं, लेकिन 3 माह की मासूम बच्ची को एक खरोच भी नहीं आई और वो बाल बाल बच गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं बिट्टी यादव ने जैसे तैसे अपनी 3 माह की मासूम बच्ची के साथ कुएं से निकलकर अपनी जान बचाई और उसके बाद एक राहगीर की मदद से चंदला थाने पहुंची, जहां घटना की पूरी जानकारी दी। महिला के पिता का कहना है कि उसका दामाद उसकी बच्ची के साथ कई बार मारपीट कर चुका है और अब उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार महिला के 3 बच्चियां होने के बाद से उसका पति उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था और उन्हें मार देने की धमकी भी देता था और इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दे दिया है। पुलिस ने मृतक बच्ची का पीएम कराया और आरोपी राजा भैया यादव के विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हमारे साथ लिबा के आए हैं तो कुएं में चक दो हैं तीनों का। किसने फेंका? मैंने फेंका, राजा भैया ने। राजा भैया कौन है आप? जमान है। अच्छा, तो बच्ची को और आपकी, मतलब आपकी बच्ची को, दोनों बच्चियों को? तीनों का मचक दो नटनखा ये होगा। शाम को सूचना मिली थी एक बच्ची मृत अवस्था में अस्पताल में लाई गई है। मौके पर आए मृतका की माँ श्रीमती बिट्टी यादव, पत्नी राजा भैया यादव निवासी डड़िया की, ने बताया कि उसके 3 बेटियाँ थीं। एक बेटी 3 महीने पहले ही जन्म हुआ था, एक का, तभी से उसका पति उसको मारपीट कर परेशान करता था। तो करीब 1 महीने पहले अपने मायके लौलास चली गई। घटना से 1 दिन पहले आरोपी मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी एवं बच्चियों को लेवाने गया था। कल खाना खा पीकर दोपहर करीब अपनी दोनों बच्चियों एवं पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से लड़ी जा रहा था। तभी रास्ते में भी पत्नी को गाली गुफ्तार कर गरिया रहा था, कह रहा था कि तीनों लोगों को कुएं में फेंक कर मार दूंगा। और मेन रास्ते से भोले के प्रवाह नहर है, वहाँ से मेन रास्ते से कुछ दूरी पर 3-4 खेत आ गए, ले जाकर ये कुएं के पास लेके गया और मोटरसाइकिल को खड़ा करके वो महिला भी वहीं खड़ी कर दी थी। महिला छोटी बच्ची को गोद में ली हुई थी, बड़ी बच्ची भी पास में खड़ी थी। तो जान से मारने की नीयत से बच्ची को और महिला को कुएं में धक्का दे दिया। बच्ची पानी में डूब गई थी, क्योंकि महिला को तैरना आता था तो बगल से कुएं का खकरी टूटी हुई है वहाँ से पकड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी छोटी बच्ची को लेकर। तो आरोपी ने ऊपर से उसको पत्थर मारा जो उसके सिर में लगा था, सिर फट गया उसका। उसके बाद आरोपी वहाँ से भाग गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।